हेलो, वेलकम टू माय चैनल। जिन लोगों ने एम्स स्टोर कीपर ड्रग का फॉर्म भरा है, ये उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। अगर अभी तक आपको स्टोर कीपर ड्रग का सिलेबस और पैटर्न नहीं पता है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें आप जाकर अपना सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, और कुछ बुक्स रिकमेंड की है वो भी आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बुक है हमारी वीडियस पब्लिकेशन की सॉल्व क्वेश्चन बैंक। ये बुक काफी ज्यादा अच्छी है। इसमें आपको ड्रग स्टोर के बारे में पता चलेगा और उसमें बिजनेस मैनेजमेंट कैसे होती है एक ड्रग स्टोर में, इसमें आपको सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। और प्लस इसमें सारे MCQ हैं, तो ये काफी ज्यादा अच्छी बुक है उन लोगों के लिए जो सिर्फ MCQ करेंगे। नेक्स्ट बुक है हमारी ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट बाय मोहम्मद अली एंड ज्योति गुप्ता। इस बुक में आपको थ्योरी पार्ट मिलेगा प्लस MCQ मिलेंगे। रेगुलरली अगर आप MCQ ही देखना चाहते हैं, तो आप जो प्रीवियस बुक मैंने आपको बताई, आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं। अब हम थर्ड बुक के बारे में बात करते हैं। ये है आपकी हैंडबुक ऑफ ड्रग एंड बिजनेस मैनेजमेंट बाय अशोक के गुप्ता। ये बुक भी काफी ज्यादा अच्छी है। इसमें आपको थ्योरी मिलेगी और पॉइंट टू पॉइंट चीजें मिलेंगी कि ड्रग स्टोर में क्या होता है, ड्रग स्टोर में कैसे उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, ड्रग स्टोर का जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो कैसे कर सकते हैं, और उसके प्रोसीजर जो होते हैं वो सारी इस बुक में इंक्लूड है। आपको स्टोर कीपर ड्रग में दोनों पैटर्न देखने को मिल सकते हैं, आपका कोर्स सब्जेक्ट प्लस अदर सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको बुक्स रिकमेंड कर रही हूँ। सबसे पहली है जनरल नॉलेज की बुक, लूसेंट की GK MCQ बुक। मैं आपको इसलिए ये रिकमेंड कर रही हूँ बिकॉज इसमें MCQ पार्ट है और इसमें आपका सारा सिलेबस जितना भी जनरल नॉलेज का है वो कवर हो जाएगा। इसका थ्योरी पार्ट भी आता है, बट मैं वो आपको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ बिकॉज इतना टाइम नहीं है। अब अगर आपके पास टाइम है, अगर आप पढ़ सकते हो, तो आप इसका थ्योरी बुक भी ले सकते हो। इस पर्टिकुलर बुक में आपको सारा पार्ट कवर हो जाएगा, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, अदर सब्जेक्ट्स जितने भी हैं वो सारे कवर हो जाएंगे जनरल नॉलेज। नेक्स्ट बुक है हमारी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी। ये अरिहंत पब्लिकेशन की आपको मिल सकती है। इसमें सारा इंग्लिश का जितना भी पैटर्न है प्लस MCQ प्लस और अदर पैटर्न जितना भी आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं अगली बुक्स की, तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग आप इसी ब्रांड की प्रेफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी होती है अरिहंत पब्लिकेशन की। बट अगर आपके पास अपनी कोई बुक है तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, और करंट अफेयर्स आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो। तो इस पूरी वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।